गाइज देखो, अगर आप लोग क्लैश कॉर्ड रैंक में ग्रैंड मास्टर नहीं जा पा रहे हो, या फिर गाइज अगर आप लोग ज्यादातर मैच जीतना चाहते हो, आप लोग भुया करना चाहते हो, बट गाइज आप लोग का भुया हो नहीं पाता है, आप लोग मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में भी गाइज आप लोग का हाथ से जो है वो भुया चला जाता है, ये सब सिचुएशन गाइज अगर आप लोग के साथ हो रहा है ना, तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो गाइज मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, तो गाइज आप लोगों को मतलब बहुत ही ज्यादा वो हेल्प करेगा। और जैसे मैं गाइज हर एक मैच जीता हूँ, आप भी गाइज सेम टू सेम ऐसे ही हर एक मैच जीत पाओगे, तो ये वीडियो गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाले। फटाफट गाइस आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक जो है वो है गाइस, देखो मैं मेरा एकदम स्क्वाड ना एकदम परफेक्ट रखता हूं। अगर आप लोग का स्क्वाड ही परफेक्ट नहीं है तब गाइस देखो नहीं होगा, आप लोग मैच नहीं जीत पाओगे। यार रैंडम प्लेयर के साथ खेल के गाइस भुया नहीं होता भाई, बहुत एक दो बार तुक्के से भुया हो जाएगा, बट ज्यादातर केस में गाइस भुया नहीं होगा। तो गाइस देखो आप लोग एक प्रॉपर स्क्वाड चाहिए, और उसके लिए गाइस देखो मैं आप लोग बता दी, तो आपके स्क्वाड में गाइस पहले एक रशर चाहिए, एक एसॉल्टर चाहिए, एक स्नाइपर प्लेयर चाहिए और एक आईजीएल चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी परमानेंट स्क्वाड नहीं है, आप लोग एक स्क्वाड बनाना चाहते हो, तो गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है ना, मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दो आई नीड अ परमानेंट स्क्वाड, फिर गाइस आप लोग अपना यूआईडी लिख देना। इससे गाइस क्या होगा, जो भी मतलब दूसरा बंदा मेरा ये वीडियो देखेगा उसको भी अगर एक परमानेंट स्क्वाड चाहिए तो गाइस वो आपको डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा, फिर गाइस आप लोग आपस में बात करके मतलब खुद का एक परमानेंट स्क्वाड बना सकते हो। और अगर आप लोग का दोस्त लोग है तो उनको बोल देना ऐसे ही नहीं खेलने के लिए, हर एक बंदे का अलग अलग रोल होना चाहिए। जैसे मेरे स्क्वाड में मैं गाइस रश करता हूं, मेरा जो दूसरा बंदा है वो गाइस स्नाइपिंग करता है, एक बंदा आईजीएल है और एक बंदा गाइस एसॉल्टर है। तो ऐसे ही गाइस टीम कोऑर्डिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। और गाइस देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और गाइस देखो अलग अलग रोल के लिए भी आप लोगों को अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि गाइस सभी बंदा एक ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेगा, ऐसा गाइस नहीं है। अब गाइस देखो हर एक रोल के लिए जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होगा आप लोगों के लिए, उसके ऊपर गाइस देखो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो है। आप लोग यार फटाफट आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में गाइस आप लोगों को वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वो वीडियो भी जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोगों जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है आपके रोल के लिए वो गाइस आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक आता है वो है वेपन। गाइस देखो जो गन लोगे ना वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है भाई, देखो बहुत सारे गन है और उनमें से बहुत सारे फालतू गन भी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, फर्स्ट राउंड अगर आप लोगों को जीतना है तो गाइस फर्स्ट राउंड में आप लोग ऑलवेज WSP या फिर G18 प्रेफर करो। इससे गाइस क्या होगा, मतलब आप लोग स्पैम करके इजीली मार सकते हो। M500 से क्या होता है गाइस आप लोगों को हेडशॉट ही मारना पड़ता है, बॉडी शॉट में भाई कभी-कभी बहुत ज्यादा कम डैमेज दे देता है। उससे अच्छा भाई डायरेक्ट G18 या फिर WSP ले लो ना, एकदम स्पैम करके पूरा उड़ा दोगे। और फर्स्ट राउंड गाइस देखो आप लोगों को बताइए फर्स्ट राउंड कितना ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट राउंड अगर आप लोग जीत गए तो सेकंड राउंड में आप लोग अच्छा खासा कॉइन मिल जाएगा, और उस कॉइन से गाइस आप लोग को UMP या फिर MP5 लेना है, SMG वाला गन लेना है। और अगर आप लोग नहीं जीत पाए तब गाइस आप लोग कोई भी लॉन्ग रेंज गन ले सकते हो, जैसे कि M4A1 हो गया, N94 हो गया, बट अगर आप लोग जीतते हो तो गाइस आप लोग को ऑलवेज SMG वाला गन लेना है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग कोई भी अपना पसंदीदा गन ले सकते हो, उसके बाद वाला राउंड में आप लोग शॉट गन ले सकते हो। मैं गाइस ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि आप लोग शॉट गन लो, कि शॉट गन में क्या होता है ना भाई, डायरेक्ट स्पैम करके मार दोगे, शॉर्ट रेंज में दम दम दब करके मार दोगे, तो आप लोग शॉटगन जरूर से ले सकते हो। और लॉन्ग रेंज में मैं वुड पेकर प्रेफर करूंगा, अगर आप लोग चाहो तो वुड पेकर ले सकते हो वन टाइम अगर आप लोग आता है तो। थर्ड नंबर ट्रिक जो है वो है गाइस पेट। गाइस देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बंदे भाई पेट एकदम नोटिस ही नहीं करते, पेट में एकदम ध्यान ही नहीं देते हो। मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग ग्रेनेडर हो तब गाइस आप लोगों को 20 शॉट पेट लेना है। ये 20 शॉट से क्या होगा गाइस, जब भी आप लोग नेट करोगे ना बहुत दूर तक जाएगा, तो 20 शॉट गाइस आप लोग के पास होना ही चाहिए। अगर आप लोग नेडिंग करते हो तो 20 शॉट आप लोग लो। इसके बाद गाइस देखो ड्रेकी जो पेट है वो आसपास अगर कोई भी बंदा मेडिकेट मार रहा होगा तो ऊपर एनिमी के ऊपर एक ऑरेंज कलर का एरो आ जाएगा, फिर आप लोग जाके उसको इजीली मार सकते हो, तो ये वाला पेट भी काफी ज्यादा काम आता है। फिर गाइस देखो रॉकी पेट भी है, उसमें गाइस जब भी आप लोग एक्टिव स्किल लोगे तो आपका एक्टिव स्किल का जो कूल डाउन टाइम है तो वो 15% कम कर देगा। तो मुझे पता है गाइस आप लोग पेट में ध्यान नहीं देते, बट आप लोगों को पेट में भी ध्यान देना है, छोटा छोटा चीज से गाइस बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मैं गाइस देखो मैं जब भी खेलता हूँ, मेरा जो स्क्वाड जब भी खेलता है ना, तो हम लोग ये छोटे छोटे चीज पे ही ध्यान देते हैं, इससे गाइस हम लोग का जो मतलब ओवरऑल गेम है काफी ज्यादा अच्छा जाता है और हम लोग ज्यादातर मैच जीतते हैं। और गाइस देखो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है बट अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो यार, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। फोर्थ नंबर ट्रिक जो है वो है लोड आउट। देखो लोड आउट आप लोगों को क्या लेना है, आप लोग को सीक्रेट क्लू लेना है। इससे गाइस क्या होगा, आपका जो ईपी है वो जल्दी जल्दी HP में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप लोग चाहो तो लेग पॉकेट का भी यूज कर सकते हो। इससे गाइस आप लोग 3 ग्लू वॉल की जगह 5 ग्लू वॉल ले पाओगे। फिफ्थ नंबर ट्रिक जो है गाइस देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बता देता हूं जो गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखो मैं आप लोगों को 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसमें गाइस आप लोग अपने हिसाब से मतलब आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा वो गाइस आप लोग यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है वो है डायरेक्ट रश। अगर आपके स्क्वाड में सभी बंदे एकदम तगड़ा खेलता है, आपका कोऑर्डिनेशन एकदम टॉप
नॉच है। अगर आपके चारों बंदे में से सभी का सभी कोऑर्डिनेशन एकदम टॉप नॉच है, सभी के सभी एकदम रशिंग स्किल में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तब गाइस आप लोगों को डायरेक्ट रश करना है, मतलब राउंड के स्टार्टिंग में एकदम पूरा घुस जाना। इससे गाइस देखो क्या होगा, सामने वाला जो एनिमी है वो पूरा एकदम चौक जाएगा, वो गाइस पोजीशन ही नहीं ले पाएगा, उससे पहले ही गाइस आप लोग जाके उसको मार दोगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखो हम लोग पहले जाते हैं घर के पीछे छुपते हैं, फिर कवर लेते हैं, बट सामने वाला एनिमी अगर चारों के चारों बंदे डायरेक्ट आके घुस के हम लोग को मार दिए तो हम लोग पोजीशन ही नहीं ले पाएंगे, उससे पहले ही हम लोग मर जाएंगे। तो गाइस आप लोग को यही यूज करना है, फटाफट एकदम राउंड के स्टार्टिंग में घुस के ही आप लोग को मार देना है, चारों के चारों बंदे को ही रश करना है। और सेकंड नंबर जो स्ट्रेटजी है वो है एक बंदे को फ्लैंक करना है, बाकी तीनों बंदा रश करेगा, और फ्लैंक कर गाइस जो होगा उसको गाइस थोड़ा सा मतलब आईक्यू होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि गाइस वो अकेला जा रहा है, अकेला अगर फंस गया तो क्या क्या उसको करना है उसको आना चाहिए, और उसको गाइस लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा मतलब प्लेयर होना चाहिए, जो बंदा फ्लैंकर है उसको लॉन्ग रेंज में भाई मतलब हेडशॉट मारना आना चाहिए। और बस गाइस यही दो स्ट्रेटजी आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो अब। तो ये जो पांच ट्रिक थे ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक थे, अगर आप लोग ये ध्यान से फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग ज्यादातर मैच जीतोगे, मैं भी ये फॉलो करता हूँ इसलिए मैं ज्यादातर मैच जीतता हूँ। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हाँ गाइस अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो भाई क्या करो यार, फटाफट जाओ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो बस जाओ यार फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और गाइस अगर आप लोग को वन टैप हेडशॉट के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोग को फुल मैप के लिए कुछ बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन चाहिए ना तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।